दोस्तों आज हम जानेंगे ऐसे प्राणी के बारे में जिसकी सुंदरता को देखकर हर कोई उसकी ओर आकर्षित होता है। तो दोस्तों आज हम जानेंगे क्लाउडेड लेपर्ड के बारे में। तो इस प्राणी के बारे में जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा ताकि मुझे मालूम पड़े कि वीडियो बना कैसा है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लाउडेड लेपर्ड जो पूरी दुनिया में साउथ ईस्ट एशिया के यहाँ पर पाया जाता है और चाइना में क्लाउडेड लेपर्ड को मिंट लेपर्ड कहते हैं और मलेशिया में क्लाउडेड लेपर्ड को ट्री टाइगर कहते हैं। और क्लाउडेड लेपर्ड को क्लोजली रिलेट किया गया है स्नो लेपर्ड से। और क्लाउडेड लेपर्ड एक कैट फैमिली की प्रजाति है। क्लाउडेड लेपर्ड एक मांसाहारी प्राणी है जो ज्यादातर रोडेंट्स, मंकीज, वाइल्ड बॉर्स, स्क्विरल, पोर्कोपाइन, बर्ड, डियर और भी अन्य चीजों को कंज्यूम करते हैं। और जंगलों में क्लाउडेड लेपर्ड का शिकार ज्यादातर लार्ज मैमल्स और इंसान करते हैं। और ऐसा बताया जाता है कि इंसान क्लाउडेड लेपर्ड का शिकार उसके फर के लिए करते हैं, क्योंकि एक सिंगल कोट को बनाने के लिए तकरीबन 25 क्लाउडेड लेपर्ड को मारना पड़ता है। और इंसानों के वनों की कटाई और क्लाउडेड लेपर्ड का शिकार करना, इन कारणों की वजह से क्लाउडेड लेपर्ड की संख्या भारी मात्रा में कम होती जा रही है। और ऐसा बताया जाता है कि आने वाले समय में क्लाउडेड लेपर्ड की प्रजाति पूरी तरह से विलुप्त हो जाएगी। वैज्ञानिकों के अनुसार क्लाउडेड लेपर्ड एक नॉक्टर्नल एनिमल है, मतलब वह प्राणी जो रात को सक्रिय रहता है और दिन में सोता है। और क्लाउडेड लेपर्ड तैरने में भी बहुत अच्छे हैं। और इस प्राणी को क्लाउडेड लेपर्ड इसीलिए नाम दिया गया है क्योंकि उनके अनोखे रंग की वजह से जो वातावरण में आसानी से घुल मिल जाते हैं। और कैट फैमिली में क्लाउडेड लेपर्ड एक ऐसी प्रजाति है जो झाड़ों पर आसानी से चढ़ सकती है। और क्लाउडेड लेपर्ड एक फास्ट एनिमल है जिसकी रफ्तार तकरीबन 60 किलोमीटर पर आ रहे। और क्लाउडेड लेपर्ड के पास बहुत ही लंबी पूंछ पाई जाती है जिनकी लंबाई तकरीबन 30 इंच से भी अधिक हो सकती है, जो उन्हें जंप करने और झाड़ों पर चढ़ते समय बैलेंस करने में मदद करती है। और क्लाउडेड लेपर्ड के दांत की लंबाई तकरीबन 5 सेंटीमीटर से भी अधिक हो सकती है। और वैज्ञानिकों के अनुसार ज्यादातर क्लाउडेड लेपर्ड सॉलिटरी होते हैं जो अपना जीवन ज्यादातर अकेले बिताना पसंद करते हैं, लेकिन मेटिंग के समय क्लाउडेड लेपर्ड एक साथ आ जाते हैं। और फीमेल क्लाउडेड लेपर्ड जिसका प्रेगनेंसी पीरियड तकरीबन 3 महीने का होता है और ठीक 3 महीने के बाद वह तकरीबन 1 से लेकर 5 बेबी कप्स को जन्म देती है। और उन बेबी कप्स को सेक्सुअली मैच्योर होने के लिए तकरीबन 2 से लेकर 3 साल लगता है। वैज्ञानिकों के अनुसार क्लाउडेड लेपर्ड की लंबाई तकरीबन 40 इंच से भी अधिक हो सकती है और वेट तकरीबन 13 किलोग्राम से भी अधिक हो सकता है। और क्लाउडेड लेपर्ड कैप्टिविटी में तकरीबन 70 साल तक जी सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को समय देने के लिए धन्यवाद। अगर आप इसी तरह से एनिमल्स के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, क्योंकि हम इसी तरह से एनिमल्स के बारे में जानकारी देते रहते हैं। और यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। एंड यस फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।